नमस्कार, प्रणाम, पलाक, आप सभी को स्वागत है आपका सुजाता किचन में। मैं हूँ सुजाता। आज मैं लेकर आई हूँ बैंगन भाजा की रेसिपी, जो बंगाल की पारंपरिक रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बैंगन मेरे पास लंबा साइज का बैंगन है, तो मैं यही ले रही हूँ। आपके पास थोड़ा गोल वाला बड़ा बैंगन है तो आप वो भी ले सकते हैं। बैंगन जो भी लें उसमें बीज ज्यादा ना हो अंदर से। सबसे पहले हम इसे ऊपर से कट कर लेते हैं, इसकी डंठल को समान रूप में हमें काटना है, समान रूप से ये पक जाए इतना। बैंगन की स्लाइस हमने कर लिए हैं, देखिए इतना इसे रखना है, ना बहुत ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा, एक समान ही हमें इन्हें करना है ताकि ये समान रूप से पक जाएं। अब लेते हैं मिक्सिंग बाउल, इसमें ऐड करते हैं 3 चम्मच बेसन, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच नींबू का रस। बेसन के मिश्रण को मिला लेते हैं, कर लिया है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा पानी, थोड़ा थोड़ा पकड़ के पानी लेंगे और इसे मिलाते रहेंगे। थोड़ा पानी और लेते हैं, बेसन का मिश्रण हो गया है तैयार। इसे हमने अच्छे से फेंट लिया है हाथों से, अच्छे से कर लिया है मिक्स। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे बैंगन की स्लाइस और इन्हें कोट करेंगे। सारे ही बैंगन के स्लाइस को हम मसाले में अच्छे से कर लेते हैं कोट। मसाले के साथ बैंगन की अच्छे से कोटिंग कर ली है। अब चलते हैं गैस की तरफ। पैन में हमने तेल डाल दिया है, पैन में फैला दिया है तेल डाल के। तेल भी हो चुका है गरम, तो अब गैस की फ्लेम को कर लेते हैं स्लो और इसमें ऐड करते हैं बैंगन के स्लाइस। एक बैंगन की स्लाइस हमारे पैन में आ गए हैं, तो हमने सारे ही स्लाइसों को पैन में फैला दिया है। अगर आपके पैन में भी इस तरीके से मसाला थोड़ा बच गया है तो उसे बैंगन की स्लाइस के ऊपर से कोट कर लें, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। मसाला हमने बैंगन के ऊपर से भी कोट कर लिया है। अब हम हल्का सा बैंगन की स्लाइस के ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे, बिल्कुल बूंदे डालनी है तेल की, ज्यादा तेल नहीं डालना है। और इन्हें अब हम पलटते हैं, नहीं तो ये तले से जल सकते हैं। अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं तो अब हम इन्हें पलट लेते हैं स्पून की सहायता से। जो हमने पहले स्लाइस डाले थे वो हो चुके हैं, जो बाद में डाले थे वो अभी तैयार नहीं हुए हैं, तो पहले उन्हें अच्छे से नीचे से फ्राई रोस्ट होने देंगे, तब जाके हम इन्हें पलटेंगे। जो बाद में डाले हुए स्लाइस हैं उन्हें भी हम पलट के देखते हैं। अगर नीचे से इनका कलर डार्क ब्राउन हो गया है तो हम इन्हें पलट लेंगे। अभी नहीं हुआ है तो जो अभी ब्राउन हो गए हैं उन्हें हम पलट पलट कर अच्छे से कर लेंगे रोस्ट। अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, जो रोस्ट हो गए हैं उन्हें कर लेंगे साइड। बीच में जो है सेंटर में वो तो रोस्ट हो गए हैं, लेकिन जो हमने साइड में डाले हुए हैं वो अभी रोस्ट नहीं हुए हैं, तो उन्हें अब हम सेंटर पे ले आते हैं। पलट पलट के हमने भाजा को कर लिया है अच्छे से रोस्ट। गैस की फ्लेम को कर लेते हैं बंद और स्लो गैस में ही हमने सारे भाजा तैयार किए हैं।
अगर आपको गैस स्लो लग रही है, बर्तन थोड़ा ठंडा लग रहा है, तो आप लो टू मीडियम कर सकते हैं, नहीं तो स्लो मीडियम में ही इसे पकाएं, ये बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। नहीं तो गैस की फ्लेम अगर बढ़ा देंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे और जल सकते हैं। बैंगन का भाजा बन के तैयार है। अगर आपको बैंगन भाजा की रेसिपी पसंद आई तो आप भी बनाइए, खाइए और रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा करिए शेयर, और कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको बैंगन भाजा की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। मिलते हैं एक बार फिर नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।